बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक और यूरोप कंट्री ने अपना टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है। लॉन्ग स्टे वीज़ा तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत पहले ही ओपन कर दिया था, जिसके अंदर वर्क परमिट भी शामिल था, स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल था और फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा भी शामिल था। साथ ही में कुछ स्पेशल वीज़ाज भी दिए जा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन शॉर्ट स्टे वीज़ा अब ओपन हो रहे हैं। तो ये कंट्री है दोस्तों क्रोशिया, जिसने टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के साथ किया है, कैसे आप यहाँ जा सकते हो, और दोस्तों इस वक्त वीज़ा रेशो रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चले फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा इसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, क्रोशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है और साथ ही क्रोशिया आने वाले दिनों में शेंजियन जोन का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर COVID-19 पेंडेमिक नहीं आया होता तो हो सकता है कि अब तक क्रोशिया शेंजियन जोन में शामिल हो चुका होता, लेकिन अब COVID-19 की वजह से यूरोप को काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करने को मिला है। लेकिन कुछ टाइम के अंदर क्रोशिया भी अब शेंजियन जोन में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्रोशिया अपने शॉर्ट स्टे वीज़ा को ओपन कर चुका है और मेन रिक्वायरमेंट्स है कि नेगेटिव रिपोर्ट आपने शो करनी होगी, जो कि COVID-19 की होनी चाहिए। दोस्तों, अराइवल से 48 आवर्स पहले ही ये टेस्ट रिजल्ट होने चाहिए। पहले आप जब डिपैचर करते थे तब आपको 48 आवर्स पहले का टेस्ट रिजल्ट चाहिए होता था, लेकिन अब अराइवल का 48 आवर्स के पहले का आपको टेस्ट रिजल्ट चाहिए होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो यूएई से हो, लाइक 10 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे जो है वो यूएई में आपकी फ़्लाइट के स्टे हो और उसके अंदर आपके 48 आवर्स पूरे हो जाएं, तो फिर आपके इस टेस्ट रिजल्ट को माना नहीं जाएगा, आपको दोबारा से COVID-19 का टेस्ट कराना होगा। इसीलिए आप अगर 10 तारीख को जा रहे हो तो आप 8 तारीख को ये टेस्ट करवा लो, और टाइम की कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रोशिया पहुँचने तक 48 आवर्स होने चाहिए या फिर इससे कम। अगर इससे ज्यादा हो गए तो आपका टेस्ट रिजल्ट कोई भी काम का नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप जब यूरोप जाते हो या फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज में जाते हो तो वीजा अप्लाई करते हुए आपको कंफर्म टिकट या फिर आपको कंफर्म होटल बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ बुकिंग रिजर्वेशन करवा लो, वही आपके लिए काफी होता है। लेकिन क्रोशिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप क्रोशिया जाना चाहते हो और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हो तो आपको कंफर्म होटल और कंफर्म एयर टिकट और रिटर्न टिकट चाहिए होगी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान बिल्कुल रखना है अप्लाई करने से पहले। साथ ही में दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए होगा। तो इसमें आपको लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। साथ ही दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी लोग यूरोप कंट्री का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि यार कम से कम 5 से 6 लाख का या 8 लाख का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपए भी होंगे तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अब आपके एक्सपेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका एक्सपेंस ज़्यादा ना हो। दोस्तों, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिले या फिर नहीं मिले। अब वो किस तरीके से, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे कोई बंदा अगर 3 लाख रुपये महीना कमाता है तो उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि उसको वीज़ा मिल जाएगा। 3 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और किसी की भी अगर 3 लाख की सैलरी या बिजनेस होता है तो बिल्कुल आसानी वीज़ा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस बंदे की 3 लाख की इनकम है तो उसका एक्सपेंस कितना है। अगर आप 3 लाख रुपये अपनी इनकम शो करते हो और 1 से 1.5 लाख रुपये आपका कोई हाउस लोन चल रहा है, 1 से 1.5 लाख रुपये आपकी कोई गाड़ी का लोन चल रहा है, साथ ही में आपकी वाइफ भी है, आपके 2-3 बच्चे भी हैं और उसकी स्कूल फीस भी जाती है उन्हीं पैसों के अंदर से, तो फिर आपकी इनकम हुई नहीं, आपका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ बल्कि इनकम कम हुई, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जो है वो वीक हो जाती है। जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो ये चीज़ देखेगा कि ये बंदा 3 लाख रुपये कमाता है और 3 लाख रुपये ही इसका महीने का एक्सपेंस हो जाता है, जिससे दोस्तों सेविंग हुई नहीं। और अगर आप घूमने के लिए कोई एप्लीकेशन डालते हो विजिट वीज़ा के लिए तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि आपको वीज़ा मिले।
इसीलिए दोस्तों आपने अपने अकाउंट को जो है वो मेंटेन करना है, साथ ही में सैलरी या फिर बिजनेस अकाउंट जो है वो आपने शो करना है। और अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है जो कि सेविंग अकाउंट है, जहां पैसे सेव करते हो, तो वो भी आपने शो करना है, तभी जाके आपको वीजा मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना है कि आप अपनी कंट्री में इनकम टैक्स भरते हो, और साथ ही में आपको NOC लेटर भी चाहिए होगा अगर आप जॉब करते हो तो। और अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, इसके अलावा दूसरी एबिलिटीज हो गई, वो सारी चीज़ें आपने शो करनी होगी कि आपका एक्सपेंस कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या आपका एसेट है, वो चीज़ें शो करनी होगी। क्रोशिया का वीज़ा दोस्तों बहुत आसानी मिल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर आपको कुछ बड़ी चीज़ें चाहिए या फिर कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, बहुत आसानी मिल जाता है अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से समझ लो। अब आप ये चीज़ देखो दोस्तों कि COVID-19 की थर्ड वेव आई भी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद भी क्रोशिया ने अपना विजिट वीज़ा ओपन कर दिया है, जिसे देखते हुए दोस्तों बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ ओपन करेंगे और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ भी देखने को मिले। लेकिन इस वक्त क्रोशिया का वीज़ा रेशो रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो जो लोग भी जाना चाहते हैं, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ की सिटीज़न भी बिल्कुल आसानी मिल जाती है अगर आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लो वहाँ पे, तो भी आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।